हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? नाउ लोकल अट्रैक्शन बेसिकली फिनोमेनन होता है जिसमें मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल डेविएट हो जाती है फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस फिनोमेनन को लोकल अट्रैक्शन कहा जाता है। नाउ ये लोकल अट्रैक्शन डिटरमाइन कैसे किया जाए, हाउ टू डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन, हाउ टू डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन। नाउ सो जैसे हमने डिस्कस किया, लोकल अट्रैक्शन उस फिनोमेनन को कह देते हैं जिसमें मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल डेविएट हो जाती है फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ। इस फिनोमेनन को लोकल अट्रैक्शन कहा जाता है। ये जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रही है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस फील्ड में, जिस प्लेस पर हम सर्वे कर रहे हैं या जिस प्लेस पर हमने ले जाकर के कंपास रखा, उसके नियर अबाउट अगर कोई ट्रांसफार्मर हुआ, कोई अगर वहां से कोई ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है या फिर रेलवे ट्रैक वहां से पास हो रहा है, सो इन सब की वजह से जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह पर किसी और डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगती है और मैग्नेटिक नीडल के इसी फिनोमेनन को लोकल अट्रैक्शन कहा जाता है। अब फील्ड पर जब हम सर्वे कर रहे होंगे, सो किसी स्टेशन पर मैग्नेटिक लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसे कैसे पता किया जाए, सो अब हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इसके लिए क्या किया जाएगा, लेट अस सपोज एक कोई सर्वे लाइन है, उसके कोई दो स्टेशन होंगे, एंड स्टेशन, उन दोनों एंड स्टेशन पर जब हम कंपास को प्लेस करेंगे, नाउ सो हम उस सर्वे लाइन का फोर बेरिंग और बिग बेरिंग दोनों को मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उस सर्वे लाइन के फोर बेरिंग और बिग बेरिंग के डिफरेंस को निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री आ जाता है, दैट मींस उस सर्वे लाइन से कनेक्टेड जो स्टेशन हैं वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अगर ये 180 डिग्री नहीं आता, दैट मींस उस सर्वे लाइन से कनेक्टेड जो स्टेशन है उसमें से कोई एक स्टेशन या दोनों स्टेशन है ना लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। नाउ सो इस केस के लिए लेट अस सपोज मैं एक सिचुएशन लेता हूं। सो मैं एक यहां पर मैंने यहां पर एक क्लोज्ड ट्रेवर्स फॉर्म किया। लेट अस सपोज यहां पर हम एक क्लोज ट्रेवर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो क्लोज ट्रेवर्स हो गया ए बी और सी, क्लियर है। नाउ मैं क्या करता हूं, यहां पर स्टेशन ए पर कंपास को प्लेस करता हूं। तो मैंने स्टेशन ए पर कंपास को प्लेस किया। नाउ ये मैंने कंपास को यहां पर प्लेस किया, लेट अस सपोज ये है मैग्नेटिक नॉर्थ स्टेशन ए पर। नाउ अगर स्टेशन ए पर लोकल अट्रैक्शन हुआ है ना, सो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ना होते हुए किसी और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगी, और हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर निकल के आ जाएगा। लेट अस सपोज स्टेशन ए पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए बी सर्वे लाइन का फोर बेरिंग मेजर करता हूँ। लेट अस सपोज ए बी सर्वे लाइन का जो फोर बेरिंग है वो हो गया फोर बेरिंग ए बी, क्लियर है। नाउ यहीं से मैं क्या करता हूँ, स्टेशन ए से ही मैं प्रीवियस सर्वे लाइन यानी कि सी ए सर्वे लाइन के बिग बेरिंग को मेजर कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा बिग बेरिंग ऑफ सी ए लाइन, क्लियर है। नाउ स्टेशन ए पर हम लोगों ने दो मेजरमेंट लिए, ए बी सर्वे लाइन यानी कि नेक्स्ट सर्वे लाइन का फोर बेरिंग और प्रीवियस सर्वे लाइन का बिग बेरिंग। कंपास को उठाकर ए स्टेशन से बी स्टेशन पर लेकर जाते हैं, अगेन यहां पर हमने रखा और ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है। अगर हमारे स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, और अगर यहाँ पर स्टेशन बी पर लोकल अट्रैक्शन हुआ तो ये इससे डेविएट हो जाएगी। नाउ क्या करते हैं, इस स्टेशन बी से नेक्स्ट सर्वे लाइन यानी बी सी का फोर बेरिंग मेजर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा फोर बेरिंग, ये हो जाएगा फोर बेरिंग ऑफ बी सी लाइन। नाउ स्टेशन बी से प्रीवियस सर्वे लाइन यानी कि ए बी सर्वे लाइन के बिग बेरिंग को मेजर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा बिग बेरिंग ऑफ ए बी लाइन, बिग बेरिंग ऑफ ए बी लाइन, बिग बेरिंग ऑफ ए बी लाइन,
क्लियर। ए सिमिलर स्टेशन सी पर और जितने भी हमारे पॉलीगन में स्टेशन होंगे उनका फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग डिटरमाइन किया जाएगा। देन हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर हो गया लाइन, यह हो गया फोर बेयरिंग, यह हो गया बिग बेयरिंग, और यहाँ पे निकालेंगे उसका डिफरेंस। लेट अस सपोज लाइन है हमारी ए बी, देन बी सी, देन सी ए। सो यहाँ पर तीन सर्वे लाइन है हमारी, यह ट्रेवर्स लाइन है। ए बी का जो फोर बेयरिंग है वो लेट अस सपोज कुछ भी निकल के आ गया, ठीक है। वैसे ही हमने ए बी का बिग बेयरिंग डिटरमाइन किया है ना, वो भी कुछ वैल्यू निकल के आई। देन ए बी के फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस हमने निकाला, लेट अस सपोज 180 डिग्री निकल के आ गया। एज सिमिलर बीसी सर्वे लाइन, बीसी सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग डिटरमाइन किया और हमने इसका बिग बेयरिंग डिटरमाइन किया, और हमने जब बीसी सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस निकाला, ये निकल के आ गया 180 डिग्री और 20 मिनट के लिए। एज सिमिलर सी ए सर्वे लाइन का हमने फोर बेयरिंग निकाला और बिग बेयरिंग निकाला, और ये डिफरेंस लेट अस सपोज 179 डिग्री और 40 मिनट आ गया। नाउ कंक्लूजन क्या निकला इसे समझते हैं। नाउ कंक्लूजन ये है कि ए बी सर्वे, जो ए बी सर्वे लाइन है हा? जो ए बी सर्वे लाइन है उसका फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री निकल के आया, और मैथमेटिकली भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का जो रिलेशनशिप होता है वो 180 डिग्री का होता है। नाउ सो ए बी सर्वे लाइन का डिफरेंस 180 डिग्री निकल के आया, दैट मींस इसका क्या मीनिंग है, ए बी सर्वे लाइन, जो ए बी सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन से कनेक्टेड जो स्टेशन है, स्टेशन ए और बी, ये दोनों के दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। दैट मींस स्टेशन ए से जितना भी हमने मेजरमेंट लिया है और स्टेशन बी से जितना भी मेजरमेंट लिया है, उन स्टेशन पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि स्टेशन ए पर और स्टेशन बी पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। नाउ यहाँ हम देखेंगे स्टेशन सर्वे लाइन बीसी को, बीसी सर्वे लाइन में देखेंगे तो फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि बी और सी, इस सर्वे लाइन से कनेक्टेड बी और सी जो सर्वे लाइन है ना, इन इन सर्वे लाइन के इन स्टेशन में से कोई एक स्टेशन या दोनों स्टेशन है ना सस्पेक्टेड हो सकते हैं लोकल अट्रैक्शन है, क्योंकि बी या सी या दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है, तभी ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आया। बट इसके पहले हम ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि स्टेशन ए और बी पर डिफरेंस 180 डिग्री आया, दैट मींस ए और बी दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। दैट मींस जो स्टेशन सी है, इस स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन होगा, तभी हमें यहाँ पर डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आया। दैट मींस स्टेशन सी पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है ना, और कितने अमाउंट का होगा इसे हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। एज सिमिलर सी ए सर्वे लाइन अगर देखें तो इसका भी डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा। नाउ सी ए सर्वे लाइन जो है ना, उसके जो एंड स्टेशन है वो सी और ए है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, दैट मींस स्टेशन सी पर लोकल अट्रैक्शन है, तभी सी ए सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं निकल के आया। सो कुछ इस तरीके से हम लोकल अट्रैक्शन किस स्टेशन पर है उस स्टेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उस स्टेशन पर कितना लोकल अट्रैक्शन है उसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लोकल अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। थैंक यू।